दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। इस्लाम धर्म में नमाज पढ़ने के बहुत सारे नियम हैं। आपने सुना भी होगा कि जो इस्लाम धर्म को मानता है वह नमाज पढ़ता है, और नमाज पढ़ने के कई नियम होते हैं। यह सिर्फ कुरान में नहीं लिखा। नमाज पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ नमाज को ही पढ़ रहे हैं, उसके एक एक शब्द का अर्थ निकलता है। और उसे पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ उसे बाहरी मन से पढ़ा जाता है, उसे ग्रहण भी करना होता है। तो आज मैं इस वीडियो के दौरान बताऊंगी कि नमाज के क्या महत्व हैं। यानी कि इस्लाम नाम जो है वह हिंदी कैलेंडर के हिसाब से ही पड़ा हुआ है। माना जाता है रमजान के दिनों में लोग उपवास रखते हैं। उपवास रखने के नियम अपने कानून होते हैं, और उसमें कहा जाता है कि वह कुरान पढ़े, और कुरान को वह यानी कि नमाज वह पांच बार पढ़ते हैं। और पांच बार नमाज पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ उसे पढ़ते हैं, उसे ग्रहण करना भी होता है। रमजान के दिनों में लोग उपवास रखते हैं, लेकिन उपवास रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप भूखे और प्यासे रहो। उसका मतलब होता है कि आप जितने भी बुरे कार्य करते हो उन दिनों में बिल्कुल नहीं करते। सभी जानते हैं कि जब इस्लाम धर्म के रमजानों में कोई भी व्यक्ति बुरा कार्य नहीं करता, क्योंकि कहा जाता है यह वह दिन है जिसमें परमात्मा से यानी उनके मालिक से उनकी मुलाकात होती है। इस वजह से वह रमजान के दिनों में कोई भी गलत कार्य या पाप करने से बचते हैं, और नमाज पढ़ते हुए वह ये प्रार्थना करते हैं कि यह नमाज उनकी आखिरी नमाज है, क्या पता आगे कैसा समय होगा। इस वजह से कहा जाता है कि नमाज को वह पाँच बार पढ़े। जब भी कोई व्यक्ति नमाज पढ़ता है तो वह नमाज पढ़ते समय एक बार एक शब्द जो वह बार बार लिखता है, एक होता है उतालिफ उलेमा इकराम। इसका मीनिंग होता है कि वह हर वक्त भगवान को याद कर रहा है। यह उसका आखिरी समय है जो वह नमाज पढ़ रहा है, इसलिए कहा जाता है कि नमाज को पांच बार पढ़े, ताकि इंसान को हर समय अल्लाह की इबादत करने का मौका मिलता रहे। रमजान के दिनों में ये खास त्यौहार माना जाता है। रमजान के दिनों में अल्लाह की इबादत करने का सबसे अच्छा और ख़ास महीना माना जाता है। अगर कोई भी इस्लाम धार्मिक व्यक्ति अगर नमाज को पढ़ता है, उपवास रखता है और अल्लाह की इबादत करता है, तो उन्हें स्वर्ग में जगह मिलती है। इसलिए कहा जाता है ये बड़ा पवित्र महीना माना जाता है, और लोगों को अल्लाह को याद करने का एक जरिया मिल जाता है, और इसके लिए वह तैयार भी रहते हैं, क्योंकि साल भर में आने वाला ये त्यौहार ईद उल फितर के नाम से मनाते हैं। जिस पर्व को मनाने के लिए इस्लाम धार्मिक सभी व्यक्ति अपने त्यौहार की इंतजार में लगे रहते हैं। जैसे ही वह त्यौहार आता है और उसके पर्व में उत्सुकता पूर्वक लग जाते हैं। मेन माना जाता है उस दिन वह सुबह और जल्दी उठकर स्नान कर अपनी कुरान शरीफ से पढ़कर नमाज पढ़ते हैं, और उसके बाद अपने त्यौहार को एंजॉय करते हैं। बड़े बूढ़े बच्चे सभी इसमें शामिल होते हैं और अपने पर्व को बड़े खुशहाली के साथ मनाते हैं, ताकि यह त्यौहार उनके जीवन में नई खुशियाँ लेकर आए। नमाज पढ़ने के लिए पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है, और नमाज पढ़ने के साथ साथ वह खुदा को शुक्रिया करता है कि हमें यह जो जिंदगी मिली है उसका हम अपने सही तरीके से यूज़ करें और अपने कार्य को कर्म पूर्वक करें, और अल्लाह को उस चीज़ के लिए इबादत करते हैं कि हमें मनुष्य का जीवन देकर आपने हम पर बड़ा कृपा प्रदान की है। तो इसलिए भी नमाज को बड़े पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि पूरा परिवार सुबह जल्दी उठकर स्नान करता है। स्नान करने के बाद अपने कुरान शरीफ को लेकर पवित्र मन से उस नमाज को इबादत देता है और अल्लाह की इबादत में लग जाता है, और इस पर्व के खत्म होने तक ये त्यौहार ऐसे ही चलता रहता है। ये साल भर में आने वाला त्यौहार एक महीने तक मनाया जाता है, और ईद आने पर यह तीन दिन तक ईद मनाई जाती है। तो ये है नमाज पढ़ने के कुछ तरीके। रमजान के दिनों में यदि नमाज पढ़ी जाती है और पवित्र मन से पढ़ी जाती है, तो इसका मतलब होता है कि वह कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकते और अपने ही मन को साफ और पवित्र बना लेते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाज़त।